चैनों को एक बनाना, जैन लाइफ ने अब ये ठाना है। कमजोर न चैन रहेगा, ऐसा जीवन हमें बनाना, जैन लाइफ का है अब यही नारा। जैन जीवन जीना उद्देश्य हमारा, वीराता है जो शुभ संदेश प्यारा, वीराता है जो शुभ संदेश प्यारा। जियो और जीने दो, जीने दो, जीने दो, जियो और जीने दो, जीने दो, जीने दो। समाज में होने वाली हर आहट को जानेंगे, साधु संतों की सेवा को परम कर्तव्य मानेंगे। जैन लाइफ से जुड़कर आओ, जैन आदम को हम जाने, हेल्पिंग हैंड है ये समाज का, जैन लाइफ को पहचाने। हेल्पिंग हैंड है ये समाज का, जैन लाइफ को पहचाने। जैनों को एक बनाना, जैन लाइफ ने अब ये ठाना, जैन लाइफ। लोगों ने ग्रहण की अपनी संस्था के कार्य को देखते हुए
करीब 90 से 100 के बीच में हमारी यहाँ की पहुंच गई है और अभी शायद 30 से 40 50 लोग वेटिंग में भी हैं। तो जल्दी ओपनिंग करके हिंदू जी जो इसकी सूत्रधार है, बहुत मेहनत की आप लोगों ने, बहुत बहुत साधुवाद। अब ये जो जल का जो जल ही जीवन है उसकी सार्थकता को आज करते हुए ये सीधे जल का आज उद्घाटन आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, अपनी समाज के लिए नहीं, आम जनता के लिए। बीजेपी से मोदी जी भी ये कहते हैं साक्षरता अभियान हो या स्वच्छता अभियान हो या जल अभियान हो, वो उनको ये खोलो करता है, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार के लिए ये सब चीज मेहनत मैटर करती है कि जल लोगों तक पहुँचाए, स्वच्छ जल पहुँचाए, शीतल जल पहुँचाए। आज ये कार्य आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, बहुत बहुत साधुवाद पूरी टीम को। जल्दी ही मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारा एक इवेंट उसके बारे में बता देता हूँ कि हमारे देश में आपके लिए आपको सब पता होगा, मैं जैसे तो ये कॉमन चीज है, जेंट्स हर जगह आगे रहते हैं, यूपी के जेंट्स हम लोग, लेकिन उसके बाद भी साक्षर जो मतलब एजुकेटेड कम्युनिटी के नाम से घोषित हुए, लेकिन कल मेरे पास जो दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर GST हैं वो सचिन जैन है, वो मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल है। उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि आप 96 नहीं 93% है, कितने गौरव की बात है कि जैन समाज इतने से हैं लेकिन उसमें भी 93% एजुकेटेड। इस वर्ष 110 बच्चों में जो हर साल IAS IPS जो देश का सबसे कैडर एजुकेटेड कैडर होता है उसमें IAS IPS IRS में 110 में 33 बच्चे जैन चुने गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वो लोग 10 तारीख को IAS कैडर की मीटिंग में कंट्री में यहाँ दिल्ली है सारे, उनमें से जो बच्चे करीब 20 से 25 जो भी हैं वो हमारे 11 तारीख को इवेंट में शाह होटल में जो इवेंट होने जा रहा है जयदेव का राष्ट्रीय स्तर पर उसमें इवेंट होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं पैसा से भी मैं घर के पास ही आऊँगा, आप लोग उसमें जरूर आए। मतलब ये मंच मतलब राजनीतिक नहीं है, लेकिन इसमें केजरीवाल साहब भी आ रहे हैं, आपके अमित जैन महामंत्री BJP भी आ रहे हैं, और आपके मनोज मनोज भी यहाँ से अपने एरिया से MLA हैं वो भी आ रहे हैं। तो राजनीतिक मंच नहीं है लेकिन एक एजुकेटेड मंच है जो कम्युनिकेट है और मतलब एक प्रोग्रेसिव मंच है, तो आप जरूर आए उसमें और सब लोग टीम वर्क बना के काम करें। और मैं समझता हूँ जल्दी हमारी बहुत सारी सभाएं खुल गए हैं, आप काम करेंगे तो बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे। मोटिवेशनल प्रोग्राम है 11 तारीख के, सभी को जय हिंद करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे जैन प्रोग्राम में और जैन लाइफ के किसी भी प्रोग्राम में जब भी हम उनको बुलाते हैं तो वो किसी भी तरह समय निकाल करके आ जाती हैं। आज का कार्यक्रम भी हम लोगों का पहले था 8:30 बजे, लेकिन लेट होते हुए भी उनको कहीं किसी कार्यक्रम में जाना था, उसके बावजूद भी वो उपस्थित हुई, उसके लिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चेयरमैन होने के नाते इस शाखा का थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको करना चाहूँगा कि हमारी जो ये जैन लाइफ की शाखा है इसमें 2 शाखाएँ हैं, महिला शाखा है और पुरुष शाखा है, लेकिन हमारी जो मेन शाखा है वो महिला शाखा है, ये जान करके आपको बहुत खुशी होगी। और इनकी सदस्य संख्या लगभग 100 के लगभग हो चुकी है, और जो पुरुष शाखा है वो इनकी सहयोगी शाखा है, न कि अलग से शाखा है, उन्हीं के जो हस्बैंड्स हैं वही पुरुष शाखा में है और वो एज ए सहयोगी संस्था इसमें काम करती है, मेन काम महिला शक्ति करती है और महिला शाखा करती है, तो ये जान करके आपको बहुत हर्ष होना चाहिए। और आप क्योंकि निगम पार्षद है और खुद महिला है तो ये महिला सशक्तिकरण आप देख चुके हैं कि किस तरह से महिला सशक्त होती जा रही है कि वो पुरुषों को पीछे छोड़ के और आगे निकल गए। और दूसरे जो है जो भी है ये समाज जैन लाइफ शाखा है, कुछ ऐसा भ्रांति होती है कि जैन लाइफ जैनों की जो संस्थाएं हैं वो जैनियों के लिए ही काम करती हैं, लेकिन इनका पहला जो टारगेट है वो सामाजिक सेवा है, ये मंदिर में भी काम करती हैं, धर्म का भी काम करते हैं, लेकिन सामाजिक सेवा इनका मूल जो मंत्र है, मूल जो सिद्धांत है वो सामाजिक सेवा का है। और उसके अंतर्गत इन्होंने गौशाला में अभी एक शेड बनवाया है, वहाँ पे चारा का जो है उसकी उपलब्धता कराते हैं, ये कराया है, इसका पानी की व्यवस्था कराई है और पक्षियों को दाना डालने का कराते हैं। सर्दियों के अंदर इन्होंने काफ़ी दिनों तक चाय वितरित की है सुबह रिक्शा वालों को, उनको डेली सुबह जाकर के 6 बजे ठंड में, ये महिला ही करती थी ये सारा प्रोग्राम, तो इन लोगों ने इस तरह के सामाजिक कार्य किए हैं। और एक तीसरी बात और मैं बता दूं कि ये जो भी फंड इसमें वो करती हैं ये अपने मेंबर से ही लेती हैं, बाहर से कोई डोनेशन नहीं लेती, सब पैसा हम लोग ही बनी करती है।
वो सब सदस्य लोग ही बनते हैं। तो ये सब मेरे को आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी देनी थी, और आप लोग आए और आप लोगों ने समय दिया, हम उम्मीद करेंगे और कि आपसे कभी भी आपको इनवाइट करें तो आप लोग समय निकालें। सबसे पहले मैं बाकी सारी टीम जुड़ी, भाई साहब तो चेयरमैन है, इन्हीं के हस्बैंड हैं, हमारे बड़े भैया हैं वो, और हमारी शाखा बहुत बढ़िया काम कर रही है, पूरे इंडिया में नंबर 1 होगी सारे धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में। और मैं तो भाभी जी का धन्यवाद देता हूँ जो सबको जोड़ के चल रही है, इन्हीं का श्रेय है, इन्हीं को सारा श्रेय, बस सभी को स्वागत है। मैं शाहदरा शाखा की उपाध्यक्ष ऋतु जैन, लेकिन मुझे बनाया हिंदू भाभी ने, मैं कभी इन चीज़ों में कभी नहीं आई, फर्स्ट टाइम है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बट बहुत सुंदर। मैं इसका स्पेशल क्रेडिट गोज टू हिंदू भाभी, हिंदू भाभी इज बेस्ट ग्रेट। लेकिन ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत सुंदर आया इस शाखा में, सब लोगों ने इतने अच्छे से, हालांकि मेरे हस्बैंड इतना सब कुछ नहीं मेरे साथ कोऑपरेट करते, लेकिन फिर भी उनका पीछे से बहुत ही मुझे सहयोग मिला है जो मैं आज यहाँ खड़ी हुई हूँ। लेकिन मुझे इस शाखा में आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर हुआ, और सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, ऑल मेंबर्स, जेंट्स, लेडीज, सब मेरे फ्रेंड्स टाइप, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आप आए, सब आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। लेकिन मुझे जैन समाज के किसी भी पूरी विधानसभा में क्या लोकसभा में मुझे बुलाते हैं,
मैं जरूर जाती हूँ, क्योंकि धर्म धर्म होता है, धर्म में कोई भेदभाव नहीं होता है, धर्म धर्म होता है, उसके लिए कोई भी अच्छा कार्य करे। और भैया कहते हैं कि राजनीतिक मंच नहीं है, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं भी यहाँ पे अपनी बहनों के लिए आई हूँ, निगम पार्षद बन के नहीं आई, क्योंकि बहुत मंच हम लोगों को मिलते हैं भाषण देने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन ये मंच हम मेरी बहनों का है, मैं अपनी बहनों का हौसला बढ़ाने के लिए आई हूँ कि वो इसी तरीके से जो समाज में कार्य कर रही है, अच्छे अच्छे कार्य कर रही है, उसको आगे करती रहे। और हम ये बता दें पुरुषों को कि हम महिला किसी से कम नहीं है। इंदू जी हैं, कुसुम जी हैं, अलका जी हैं, बीना जी हैं, पूनम जी हैं, जिनको मैं जानती हूँ अभी नाम से, बाकी धीरे धीरे ना आप बुलाओगे तो मैं सबको जान जाऊँगी धीरे धीरे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। मैं फिर आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे लायक कोई भी सेवा हो और एक एक इस मंच के माध्यम से एक पीड़ा अपने व्यक्त करना चाहती हूँ। और आपसे निवेदन भी है मेरा, क्योंकि मेरे जो पड़ोसी हैं वो पिछले 25 साल से हम पड़ोसी हैं, वो जैन हैं, हालांकि मुझे सब कुछ पता है जैन समाज के विषय में, लेकिन एक एक बार एक कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर जैन समाज का, और मुझे पता नहीं था कि वो जो मुनि जी होते हैं वो उस पर चलते नहीं हैं और वो नंगे पैर उनको जाना था वहाँ से, तो बड़ी पीड़ा हुई उनसे कि वो कहीं कांच पड़े थे, कहीं कांटे पड़े हुए थे, कि जब हमारे मुनि जी आते हैं, आप लोगों को पता है कि हमारे मुनि जी इस पर नहीं चल सकते हैं, तो आपको उनका जो कच्चा वाला जो रास्ता था जहाँ पर वो चल रहे थे, तो उसको मतलब हमें बोलते हैं या खुद मतलब उसको साफ करना चाहिए था, क्योंकि बड़ी पीड़ा हुई कहीं ना कहीं। मुझे बाहर मुझे सफाई की व्यवस्था दी गई थी, मैंने पूर्ण रूप से उसको किया, लेकिन अंदर का जो था वो कि वो हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए इतना तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं भूखे प्यासे, और हमने इतना सा भी ध्यान नहीं रखा कि वो इस रास्ते से गुजरेंगे। मैं कहती हूँ कि उनके लिए तो अगर हमने पलकों से भी कांटे चुनने वो भी कम है, इतना वो समाज देश के लिए कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो कृपया मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कि आगे से कोई भी इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है आप मुझे बताइए, मैं खुद खड़े होकर सफाई कराऊंगी। लेकिन मुझे उससे बड़ी पीड़ा हुई कि जब वो पैर उठा उठा के चले थे, कहीं कांच पड़े थे, कहीं पत्थर पड़े थे, कहीं कंकड़ पड़े थे, बड़ा दुख हुआ। तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जैसे कि आपने हमारी भाभी को आपने अभिप्रेतानी के लिए, हमारी जैन महिलाएं काम तो बहुत करती है, सेवाएं बहुत करती हैं, सब कुछ करती हैं, लगभग हमारा होता है जो सरकार से रिलेटेड या समाज के रिलेटेड। तो मैं कहूँगा हमारी जो महिला टीम है, इतनी शक्तिशाली टीम है, उसको आप राजनीति से प्रेरित नहीं। बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात भैया ने बोली है। देखिए राजनीति को कहते हैं, राजनीति ना बड़ी बुरी चीज़ होती है। मैं कॉलेज समय से ही राजनीति में हूँ, लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि राजनीति ही देश का भविष्य तय करती है। भविष्य में क्या होने वाला है ये राजनीति तय करती है। और आज ये कहते हैं कि राजनीति में जो महिला रहती है बड़ी गलत होती है, ऐसी भी लोगों की सोच है, लेकिन आप ये देखिए, ये तो लोगों की सोच है। कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ अच्छे बुरे कार्य नहीं होते हैं, बल्कि उससे मंदिर भी अछूते नहीं रहे, धर्म नगरी भी अछूती उस चीज से नहीं रही है। लेकिन आप अपनी मर्यादा को रखिए, आप मजबूती से मैदान में उतरिए। मुझे नहीं लगता कि आपकी मर्जी के बिना आपकी कोई परछाई भी काट सकता है। आपको मैं बता दूं कि पूरा जिला नवीन शादी की 2 बार से जिला अध्यक्षों में महिला मोर्चे की अभी भी हूँ, वर्तमान में भी हूँ, और मैं बोल रही हूँ कि अब तो मुझे मुक्ति दे दो, लेकिन अभी भी नहीं हटा रहे मुझे, क्योंकि उनको पता है कि जितनी मजबूती से मैं महिला को लेकर चल सकती, पूरे जिले की महिलाएं जब मैं चलती 15 बार मुझे बोल रहे 15 बस लेके जाए, तो मैं 15 बस भर के लेकर जाऊँगी, इतना महिला को हमारा है। लेकिन आप आइए बाहर, आपको अभी एक बात छोटी सी मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको ये पता कि आपके निगम पार्षद का क्या काम है, आपको नहीं पता है। अभी देखो वो पार्क नालियाँ भरी हुई हैं, ठीक है, आप मुझे बोलोगे कि देखो कुसुम जी नालियाँ भरी हुई है, लेकिन इसका कारण क्या है ये आप लोगों को नहीं पता है, और अब आप आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। चुनाव लड़ना ना लड़ना हाथों में लकीरें होते हैं, किस्मत की बात है, लेकिन कम से कम अपने अधिकारों के लिए तो जानना चाहिए हम लोगों को। आप देखिए पीडब्ल्यूडी के नाले जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनकी आप हालत देखिए, कूड़े से भरे पड़े हैं, इसलिए हमारी नालियाँ पानी बह पाती हैं। जल बोर्ड, सीवर, बिजली, और आपका ये जो पेंशन का जो महिला पेंशन आती है, ये सब दिल्ली सरकार के अंदर आती है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोग मुझे फोन करते हैं, हमें नहीं पता जी आप ही करा दो। अरे जनता नेता जब तक बेवकूफ़ जनता को बनाते रहेंगे जब तक जनता बनती रहेगी। आप बेवकूफ़ बनते हो इसलिए लोग आपको बनाते हैं, कहते हैं नेता तेज होते हैं। नेता तभी तेज रहे जब आप मूर्ख बन रहे हो। जिस दिन आपने करवट ली ना, कोई नेता तेज नहीं बन पाएगा। आप जागो तो सही अपने अधिकारी को लिए। आप
जगाओ तो सही उनको कि हमने आपको वोट दिया, आप खड़े हो, आप ये काम करा के दीजिए हमारे को। क्योंकि निगम पार्षद का जो सबसे जो बेसिक जो टच होता है लोगों का तो निगम पार्षद का होता है, सफाई का है, कुछ भी। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, पारस चैनल वाले भी खड़े हुए, इनके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, और मैं भारत टीवी से हमारे राहुल आए उनके उनसे भी कहना चाहती हूँ एक बार कि प्रशासन हर समय किसी के दरवाजे पर गाड़ी लेकर तो नहीं खड़ा हुआ, ये तो आपको भी पता है। कूड़ा आज भी गिरेगा उठेगा भी, कल भी गिरेगा उठेगा। सिर्फ 5 साल हम कूड़ा और नाली के पीछे लगे रहते हैं, कुछ नया नहीं कर पाते हैं। निगम पार्षद को कुछ नया करने का मौका दीजिए आप, तो अगर आप अपने आसपास सफाई रखेंगे तो सफाई से हट के कुछ नया करने के हम लोग सोचेंगे। लेकिन 5 साल तक सिर्फ नाली पूरा, नाली पूरा। और दूसरी बात यह है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी अपने प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप ये देखिए, आपके घर के आगे कूड़ा पड़ा तो उसकी सफाई आपको ही करनी है। आप देखिए गाँव में, देखिए आप वहाँ पर क्या कोई झाड़ू लगाने जाता है क्या? कूड़ा कच्चा होता है, लेकिन सुबह उठ के सबसे पहले महिला सफाई करती है। और हमारे यहाँ पर तो अपने कूड़ा निकाल के दूसरे पड़ोसी के गेट पर रख दिया। और सबसे बड़ी और बुरी बात, इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती है कि जैन मंदिर के वहाँ कूड़ा का पॉइंट बना दिया है। मंदिर नहीं जाया जाता वहाँ, तो सुबह नहा धो के मंदिर जाते हैं, जाया नहीं जाता मंदिर। नहीं तो आप एक बार बताइए मुझे, इतना 10-10 लोगों की ड्यूटी लगा के जो कूड़ा डाले मुझे बताओ, चलान मैं कटवा दूँ। 4 दिन खड़े तो 5 दिन कूड़ा डल जाता, बताना आप मेरे को। लेकिन आप हर कोई ना प्रशासन को परेशान छोड़ दिया कि प्रशासन जाने, प्रशासन जाने, मुझे फोन करेंगे कूड़ा पड़ा। अरे मेरा तो काम है, मैं तो कर लूँ, लेकिन आपकी आप कितना जागरूक है आप मुझे बताइए ना। जैन मंच की तरफ से तो जैन लाइफ वाली बहने, मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि समय समय पर अपने लैबों में सफाई अभियान चलाए। कर्मचारी और जो भी साधन है उनको मैं उपलब्ध कराऊंगा, मैं खुद आप लोगों के साथ रहूँगा। क्योंकि सफाई है तो स्वस्थ है बच्चों का। हम क्या, आप ये सोचिए कि हम अपने बच्चों को क्या फ्यूचर दे रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या कुछ दिया था और हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? खाली है कंक्रीट का मकान। बिजनेस तो कभी अच्छा चलाएगा और अच्छे स्वस्थ होगा उसका। हम उनको बीमारियाँ दे रहे हैं विरासत में बच्चों को अपने। पौधे लगाइए, आप पौधे लगाइए सफाई रखिए। दो काम तो भविष्य का मांग पूरी कर ही सकते हैं ना, और ज़्यादा काम नहीं कर सकते। आप पौधे लगाइए, पौधे मैं अवेलेबल कराऊंगा, जगह ढूंढी है। मैं कहती हूँ जितनी जैन मंच की बहनें बैठी है ना, जितनी जैन लाइफ की बहनें, 500 रुपये का 24-26 इंच का गमला आता है, वो आप लगा लीजिए, पौधे मैं लगाऊंगी। हर बहन के घर के आगे पौधा होना चाहिए बड़े वाला, और उसमें पेंट करके लिखवा दिए जैन लाइफ, ताकि लोग आपको लोग जब निकलेंगे आपके घर के आगे से तो वो देखेंगे कि देखो जैन लाइफ वाले क्या काम कर रहे हैं। कुछ अलग करो ना, हट के करो कुछ अलग दुनिया से। हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है। श्री संवेद
शिखर में भोजनशालाएं चलवाते हैं। जैन डॉक्टर्स IAS को एक मंच पे लाते हैं। पूरे देश में जैन लाइफ की शाखाएं हम खोलेंगे। सबसे आगे जैन है सारी दुनिया को ये बोलेंगे। सबसे आगे जैन है सारी दुनिया को ये बोलेंगे। जैनों को एक बनाना जैन लाइफ में अब ये ठाना। जैन लाइफ का है अब यही नारा। जैन जीवन जीना उद्देश्य हमारा। वीराता है जो शुभ संदेश प्यारा। वीराता है जो शुभ संदेश प्यारा। जियो और जीने दो जीने दो जीने दो। जियो और जीने दो